हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं मेरी बाइक की माइनर सर्विसिंग कर रहा हूँ और मेरे बाइक के किलोमीटर हो चुके हैं 9,288। मतलब हमारी फोर्थ सर्विसिंग मेरे ख्याल से। जो आप पेड जी यूज़ कर जी रहा हूँ ऑयल मोट्यूल की 15W50 5100 ग्रेड की, देखते हैं। और ये हमारा एयर फिल्टर, सॉरी ऑयल फिल्टर, और ये है हमारा एयर फिल्टर। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एनएस की थी सर्विसिंग तो करता था मैं। क्या है गाइस कि अपनी बाइक की जो भी माइनर सर्विसिंग है वो खुद को आना चाहिए। मतलब पता आइडिया तो रहना मांगता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कभी कभार ऐसे घर पे कर सकते हैं आराम से। और मैं ये WD-40 यूज़ कर रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑयल ड्रेन करने के लिए हम लोगों को 22 mm का स्पेनर चाहिए। अगर रिंग स्पेनर रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा। ये जो बोल्ट है लूज करने के लिए, ये हो गया हमारा। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसा मतलब क्या बोलते हैं रद्दी में जो बॉक्स का पुट्टा रहता है, हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, ये आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा। अगर आपके पास फुनेल है तो आप फुनेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको भी कैसे यूज़ करना है। हिमालयन का तो फर्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ। एनएस का तो अच्छा रहता है, एनएस का डायरेक्ट नीचे से रहता है, अंडर बेली जैसा नट। अरे वहाँ से खोलो नीचे, थोड़ा कुछ बर्तन रखो, पर मेरे को यहाँ करना पड़ा। मैं फुनेल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बेस प्लेट है उसके अंदर पूरा ऑयल जाता और पूरा ख़राब दिखता हो, ब्लैक ब्लैक। तो चले ऑयल पूरा पूरी तरह से ड्रेन करने के लिए होने देते। ये देखिए अभी मैं डालने वाला हूँ 2 लीटर, और मेरे बाइक में ऑयल थी सिर्फ कम से कम सिर्फ 1 लीटर ही निकली है। बाप रे इतनी यूज़ हो गई थी। और देखते हैं ऑयल का थिकनेस थोड़ा। पतली हो चुकी है गाड़ी, नहीं है गाड़ी मतलब थिकनेस उसकी कम हो चुकी है। चलो अभी कुछ है सही टाइम पे। मतलब एक हम लोगों को मेरे को मतलब मेरे को सर्विस आइकन दिखाने से पहले मतलब 9,200 मतलब पकड़ के चलो 9,300 पे मैं ऑयल चेंज कर रहा हूँ। अच्छी बात है, देखते हैं आगे। अभी चलो हमारी ऑयल पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा बेंड करके अभी ये निकालते हैं। आपको इसके लिए 8 mm स्पेनर रहेगा। हो गया हमारा पूरा क्लीन। अभी ये लगाना है तो अभी लगा के देते हैं। और आप जब भी खुद क्लीन कर रहे हो और कभी कोई क्लीन कर रहा है लोकल मैकेनिक के पास, आप तब थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एरो दिया गया है मतलब आपको किस तरह से इंसर्ट करना है।
और ऑयल ड्रेन करते वक्त वाइसर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप फुनेल नहीं यूज़ कर रहे, डायरेक्ट डिब्बा वगैरह कुछ यूज़ कर रहे तो कॉपर का रहता है और अच्छा रहता है, और वाइसर इसको मस्ट ज़रूरी है, तो ध्यान रखिए। एक काम हो गया, ऑयल ड्रेन हो चुके, हमारी इस साइड का पूरा पोर्शन क्लीन करके हो गया है। और ध्यान रखिए ज़्यादा टाइट ना कीजिए, क्योंकि उसके थ्रेड भी डैमेज हो सकता है। तो अभी बारी है ऑयल फिल्टर की। और एक गैस मैं आपको बताना भूल गया और दिखाना, जब मेरा ऑयल ड्रेन हो चुका था तब मैंने ये फिल्टर पूरा मतलब गीला होने के लिए डाल के रखा था प्लास्टिक में, एक 10-15 मिनट तक रखा था। अभी मैं उसको यूज़ करने के पहले भिगा कर उसको, ये वही वाला जो मैंने बाइक ले लाया हूँ मोटुल का, ज़्यादा कुछ नहीं, 50 ml 100 ml ही यूज़ होगा। आप फिर यूज़ कर सकते हैं वो, और आप आपकी मर्ज़ी पर है, मैं तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करूँगा देखते। तो चलो उसको इंसर्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है यह जो होल पोर्शन है ब्लैक कलर का वो ऑयल सील, वो अंदर की तरफ जाना चाहिए कुछ इस तरह से। और ऑयल फिल्टर के साथ आपको पैकिंग नया मिलता है, वही पैकिंग यूज़ कीजिए। ये देखिए, तो गैस मेरा अभी ऑयल फिल्टर चेंज करके हुआ है, अभी मैं रिफ़िल कर रहा हूँ ऑयल। और थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान रखिए गेज, जैसे मैं रिफ़िल करता रहूँगा कितने तक हम लोगों को स्टॉप करना है। यहाँ पे दो मार्किंग है, मैक्सिमम मार्किंग पे मैं रुकूँगा, मतलब फिल करना, देखते हैं अभी कितनी जाती है। आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा गाइस, देखो पूरा स्क्रीन भरने को आ गया है, मतलब गेज जो है, सॉरी स्क्रीन नहीं। तो देखते हैं,
तो कुछ नहीं, कुछ बात नहीं, देखते हैं थोड़ा। अब ये भी रखने से अच्छा है डाल के छोड़ता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली हो चुका है 1 लीटर, और इसमें से मेरा यूज़ हो गया है, आप देख सकते हैं बाकी है कितना, 500 ml, मतलब 1.5 तक मेरा यूज हो चुका है। 1.5 ml में पूरा पूरा, मतलब थोड़ा बाकी है, फिर भी देखूँगा बाद में, अगर ज़रूरत होगी तो रिफिल करूँगा। तो यहाँ पे अब हम चेंज कर रहे हैं एयर फिल्टर। देखते हैं एयर फिल्टर चेंज होने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके, मतलब जो मैंने नट बोल्ट टाइट किया है वो अच्छी तरह से टाइट हो रहा है। यहाँ पे एयर फिल्टर निकलते हैं। देखते हैं हालत एयर फिल्टर की 3500 किलोमीटर चल के क्या होगी। वही होगी, वही होगी, कुछ भी हो आपको बस समझ में आए तो बस। अरे बात है, ये देखिए, ये न्यू वन और ये पुराना है। चलिए तो ये देखो अंदर की साइड, मैंने पूरा इधर, मतलब डर्ट जैसा, मिट्टी की डस्ट डस्ट जैसी लगी हुई थी, मैंने पूरा क्लीन किया है गीले कपड़े से। और यहाँ से यहाँ पे हमारा है इनटेक। आज का सीन ऐसा कुछ है, अभी करेंगे फिट। और यहाँ पे इसको लॉक पिन है, पिन लॉक पिन, मतलब ऐसा ही लग चुका है हमारा एयर फिल्टर। बस हमारी आज की माइनर सर्विसिंग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल लीकेज नहीं है, जैसे मैंने खोला था ये पहले का जो भी कुछ है, मतलब इस साइड का काम बराबर हो चुका है। उसके बाद आ रखते हैं इस साइड, जो हम लोगों ने एयर फिल्टर चेंज किया था, तो यहाँ पे भी लीकेज नहीं है, तो मतलब हमारा काम बराबर हो चुका है। और यहाँ पे गेज देखिए, मेरे ख्याल से एक बार चालू करने के बाद, राउंड करने के बाद, राउंड मारने के बाद ये गेज यहाँ पे इस लेवल पे आ जाएगी। चलो देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और एक बार रिफिल करेंगे। मेरे पास 500 ml बची है अभी भी। तो चलिए गाइस, आपको इस वीडियो में अगर कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भूल चुका हूँ आपको सर्विस करने के टाइम बताने के लिए, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे एक एक नए वीडियो को आपको देखने को मिलेगा। ऑयल पूरा ऊपर चढ़ रही है अभी, मतलब जो गेज दिखा रही थी वो अभी नहीं दिख रही है, मतलब ऑयल चढ़ रही है। अभी देखते हैं थोड़े टाइम में बंद करके नॉर्मल गेज कितनी आती है। जैसे मैंने बताया था आपको, गाड़ी ऑन करने के बाद थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ऑयल पूरा ऊपर चढ़कर, मतलब जो मिक्सअप होगी उसके बाद गैस से थोड़े उतरेगी, मतलब मैक्सिमम है ना अपनी वहाँ पे आके रुकेगी। अभी वो यहाँ पे वैसे ही है सीन।